हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट्स, प्रश्न नंबर 21 है। दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हों। तो एक वृत्त आप असमान वृत्त हैं, जो एक छोटा वृत्त लगाना है आपने, और एक वृत्त थोड़ा बड़ा लगाना है, बड़ा लगा लेना है, और इन के केंद्रों को मिलाना है, लाइन लगानी डॉटेड। इस ए बी लाइन का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने के बाद ये पॉइंट आपका ई आ गया, तो ई के ऊपर से प्रकार खोलनी है, ए तक खोल लो या बी तक खोलो और एक अर्धवृत्त लगा लो। अब इसके बाद देखिए, ये पॉइंट ए आपका आ गया एक एम, और ये पॉइंट आ गया आपका एन। तो एम और ये ए एन को मापना है, छोटे वृत्त का अर्धव्यास ए एन, और इसके ऊपर रखना है और काट देना है। ये आ गया आपका पी। पी कहने का मतलब हो गया ए एन बराबर है, ए एन बराबर है एम पी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसके बाद ये बी बिंदु से प्रकार खोलनी है पी तक, पी बिंदु तक प्रकार खोलनी है। याद रखें, जितना इसका अर्धव्यास है पहले ये काटना है, फिर आपने बी के ऊपर प्रकार रखनी है, पी तक खोलनी है, और एक चाप लगा लें, चाप लगा लें, वृत्त लगा लें, आपकी मर्जी है। हमें पॉइंट चाहिए सिर्फ ये, हमारा पॉइंट निकल गया, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब एस एस, अब इस एस पॉइंट को आपने इस बिंदु के साथ मिलाना है, इस लाइन के साथ, ये बी बिंदु को एस बिंदु के साथ मिलाना है, और लाइन खींच देनी ऊपर, ये लाइन खींच देनी है ऐसे ऊपर, और हमारे पास एक पॉइंट और बन जाएगा यहाँ टी, ये टी पॉइंट बन जाएगा। हमें ये पॉइंट चाहिए। अगर आपकी प्रकार यहाँ नहीं खुल रही है, अगर यहाँ प्रकार नहीं खुल रही है, तो आप यहाँ डिवाइडर का प्रयोग कर सकते हैं, डिवाइडर खोल के भी आप यहाँ निशान लगा सकते हैं। हमें निशान चाहिए ये, जो आपने अर्धवृत्त लगाया उसके ऊपर चाहिए पॉइंट एस, और बी को एस से मिलाना और लाइन बढ़ानी आगे। अब आपने इसके ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करना है, सेट स्क्वायर को सेट कर लें इसके ऊपर, इस लाइन के, ये जो बी टी लाइन है आपकी, इस लाइन के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट कर लें, ये जो बी और टी लाइन बनी हुई है, और इसको चलाएं, सेट स्क्वायर को चलाएं। अब जब ये बिंदु ए पी के ऊपर आ जाएगा, यहाँ लाइन खींचनी है, चेक कर लें इसको एक बार, फिर ये जब ये बिंदु ए के ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ भी लाइन खींच दें डॉटेड, ये। अब ये जो ए, अब आपके पॉइंट आ गया यहाँ पे एल, एल पॉइंट को और टी पॉइंट को आपस में मिला दें, एल और टी पॉइंट को डायरेक्ट मिला दें, ये आपकी सी डी लाइन आ गई, ये आपका आंसर आ गया। अब